नमस्कार, मैं हूं पहली चौहान और आप देख रहे हैं बोलिविया न्यूज। खबर शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है, अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अगर आप Facebook देख रहे हैं तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। नमस्कार, मैं राधेश्याम काकोड़िया बोल इंडिया न्यूज से और इस वक्त हम खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश की आदिवासी विकास खंड मंडला जिले में, जहां से गोंडवाना भूभाग का आरंभ होता है। और प्राचीन समय में जब हम जाते हैं तो यहां पे गोंडवाना राजाओं की राजधानी रही है और उसी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बहुत बड़ा आगाज शुरू किया है जिला मंडला से और यहाँ पर अपनी कार्यकारिणी का विकास किया हुआ है। जी, मैं लेके चलता हूँ हमारे जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कर्णधार हैं जिला मंडला से, जिला अध्यक्ष जी कमलेश टेकाम जी। आपने अपनी कार्यकारिणी का गठित किया है और उस कार्यकारिणी में क्या आगे की रूपरेखा आपने बनाई है, क्या बीजेपी और कांग्रेस धराशायी कर पाएंगे आप? जी, वैसे तो पिछले कई सालों से आज़ाद भारत देश के बाद से दोनों ही पार्टी ने राज किया है। हम चाहते हैं कि अभी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए दोनों पार्टियों ने बहुत किया और ये जनता देख रही है वो, और कहीं ना कहीं पूरी जनता का ये आवाज़ है कि थर्ड ऑप्शन, जैसे मध्य प्रदेश की कहूँ तो थर्ड ऑप्शन चाहिए। और जहाँ तक थर्ड ऑप्शन के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अच्छा जनता के बीच में और कोई नज़र नहीं आ रहा इस प्रदेश के लिए, तो मैं भी एक मंडला से शुरुआत करना चाहता हूँ। तो आज मेरा जिला अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम चरण कंप्लीट हुआ, संगठन के लिए प्रथम चरण की नियुक्तियाँ आज हुई हैं, तो उसमें 25-30 नियुक्तियाँ मैंने जिला कार्यकारी और ब्लॉक की किया हुआ है। जैसे पिंडरई से जिला उपाध्यक्ष टेकचंद परते जी और जिला उपाध्यक्ष विकास लखपति जी, जिला संगठन मंत्री योगेंद्र चक्रवर्ती जी, जिला प्रवक्ता राजेंद्र ढोबे, जिला महामंत्री अतुल मस्कोड़े, जिला महामंत्री सतीश ताम्रकार, जिला महासचिव भूपेंद्र रघुवंशी, जिला प्रचारक माखनलाल सोयाम नारायणगंज से, जिला प्रचार मंत्री मनोज कुमार जैन जी, जिला कार्यालय मीडिया प्रभारी सुरेश उइके जी, जिला कार्यालय मंत्री पंजूलाल, सह प्रचारक राशिद खान, जिला सह सचिव संतोष दुर्वे, जिला महामंत्री धर्मलाल कुशराम, कार्यालय सचिव देव सिंह परते और अनेक लोगों की नियुक्ति आज प्रथम चरण में और सेकंड चरण में जिले के संगठन के लिए कंप्लीट कर दी जाएंगी। आप देख रहे थे अभी जिला कार्यकारिणी का गठित हुआ है और जिसपे तमाम जो ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों से भी जो है जिला अध्यक्षों को उपाध्यक्षों को निकाला गया है और जिला की कमेटी का गठित किया गया है और इसी तरह जो है ब्लॉक की कमेटी भी गठित हो चुकी है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संभागीय स्तर पर। जी सर, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? महतलाल बरकड़े जी। महतलाल बरकड़े जी, आपने संभाग को संभालने का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व लिया हुआ है और आपकी संभाग की टीम में कितने लोग हैं जो इस अभियान को, जो कांग्रेस और जो बीजेपी का जो चल रहा है वर्तमान में, जो तमाम ST, ST, OBC, माइनॉरिटी और सामान्य ऐसे जो पिछड़े लोग, जो गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, जिनके हक अधिकार छिन रहे हैं, उनको लेकर आपका क्या अभियान चल रहा है? अभी हम लोग दादा हीरा सिंह मरकाम जी की पेनवासी होने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हवान सिंह पुरदे जी के आदेश अनुसार हम प्रत्येक संभाग के 8 जिलों में सघन दौरा करते आ रहे हैं और दौरे के दौरान हम प्रत्येक विधानसभाओं से दो दो कार्यकर्ता कनेक्ट करते जा रहे हैं और पूरे ज़िले में हम लोग 8-10 लोगों की संभाग कार्यकारिणी में ले रहे हैं। संभाग कार्यकारिणी में लेने के बाद हम पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी के अनुमोदन करवा के हम प्रत्येक विधानसभाओं में विधानसभा प्रभारी नियुक्त करेंगे। नियुक्त करने के बाद 2023 की जो हमारी रणनीति है, समृद्धि, सत्ता और संगठन, इस विचारधारा, इस थीम पर हम लोग डोर टू डोर काम कर रहे हैं। काम करने के बाद हम जिला पंचायत, जनपद पंचायत में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बिगुल बजाएंगे और छोटे स्तर से चुनाव जीतवाकर कांग्रेस भाजपा को हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है हमारे साथ में
गोंडवाना गठबंधन पार्टी किसान मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष। जी सर, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? कुंवर शक्ति सिंह। कुंवर शक्ति सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और कुंवर शक्ति सिंह जी, अभी जो वर्तमान में कांग्रेस और बीजेपी किसानों के साथ में त्रासदी लेके आ रही है, जिस पर जो है आदिवासी किसान अभी तक जो है रणभूमि में आया नहीं है, इसका क्या कारण मान सकता हूँ मैं? और ये जो बीजेपी और कांग्रेस की जो दोहरी जो नीति है, उस दोहरी नीति को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? ऐसा है ककड़िया जी, मेरा जो मानना है कि वर्तमान समय पे आज़ाद हिंद के अंदर में किसानों के लिए कोई ऐसी योजना ना कोई मोर्चा कांग्रेस भाजपा के पास नहीं है, ना ही व्यवस्था सरकार के पास है। गोंडवाना आंदोलन में दादा हीरा सिंह मरकाम साहब के इस मंच में हम पर ये भरोसा किया गया है कि प्रदेश में इकाई हम गोंडवाना की खड़ा किया। हमारा एक लक्ष्य है कि एक एक ग्राम में किसान मोर्चा को जागृत करने का लक्ष्य है, और हम जो हमारे अधिकार हैं वो पूर्ण रूप से छीन कर लेंगे। और जो जो अधिकार हमारा प्राप्त करते जाएंगे किसान, क्यों क्यों कांग्रेस भाजपा अपना गमन करते जाएगी, अपनी व्यवस्था स्वयं खत्म करते जाएगी। आप गोंडवाना गठबंधन पार्टी के जिला प्रवक्ता के रूप में आप नियुक्त किए गए हैं राजेंद्र धुर्वे जी। जी राजेंद्र धुर्वे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिला प्रवक्ता के तौर पे आप अभी गोंडवाना गठबंधन पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, आप अभी जिला मंडला में क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं, उन समस्याओं के लिए आप बीजेपी और कांग्रेस का कैसे सामना करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसे कि मेरा पुनः नियुक्ति मेरी की गई है, 2018 से मैं इस पद पर हूँ, और 2018 के बाद आज के जो हमारे बैठक के मुख्य अध्यक्ष थे सम्माननीय अमृत तिकान जी, उन्होंने मुझे पुनः गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। तो एक बार मैं हमारी आदर सम्माननीय अमृत तिकान जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है संविधान के तहत अपने कार्यों को पूरा करेगी। जैसे कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये कहती है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान करने, प्रतिष्ठा स्तर की समता और उसके समस्त नागरिकों को जो है सामाजिक न्याय, जैसे हमारी भारत की संविधान की जो प्रस्तावना सामाजिक न्याय की बात करती है, तो सामाजिक न्याय में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है अनुच्छेद 38 के तहत कि राज्य सरकार कैसे समाज के अंदर ऐसी एक्टिविटी करे जिससे एक न्याय की बात, मतलब न्याय उसमें बलवती हो, जैसे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार बहुत ही कई सारे मुद्दों पर फेल हो रही है, और आप देख रहे हैं कि सरकार बहुत तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, और समाजवाद की जो संकल्पना है वो रूस के संविधान से लिया गया है, और बहुत साल पहले से ही भारत में समाजवाद विद्यमान रहा है। और भारतीय संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक समाजवाद अखंडता और पंथ निरपेक्ष की जो विचार उसको लिया है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 के पश्चात, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसी समाजवाद पर काम कर रही है। इस पार्टी के जो राष्ट्रीय संस्थापक थे स्वर्गीय परम आदरणीय दादा हीरा सिंह मरकाम जी, जो ये कहते हैं कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान। तो आप देख, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत लंबे समय से शोषित वंचित और पिछड़े ऐसे जो तबके हैं जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं उनको धारा में शामिल करने के लिए लगातार वो आंदोलनरत है। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि सरकार आज तक जो चाइनीज सरकार है या सत्ताधीन सरकारें हैं, इन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इस आंदोलन को, जो जल जंगल जमीन पर आधारित तो है ही, साथ में संविधान पर आधारित है, उसको नज़रअंदाज किया है। और इसी तारतम्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला इकाई के तौर पर जिला के जितने भी समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण हैं उनका आज उन्होंने जिला अध्यक्ष आदरणीय कमलेश टिकाम जी के नेतृत्व में कार्यकारिणी का गठन किया गया है। उसमें ST SC OBC माइनॉरिटी और जो जनरल वर्ग से हैं इन सबको लिया गया है, और बहुत जल्दी जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ जो बहुत ही बुनियादी मुद्दे हैं राष्ट्र के हों या क्षेत्र के हों, उन पर बहुत तेज़ी से काम करने का एक दृढ़ संकल्प लिया है। आप जिला प्रवक्ता हैं, और जिला प्रवक्ता के हैसियत से अभी जो छत्तीसगढ़ पर एक नया मामला आया है कि वहाँ पर आदिवासी सूची से प्रधान समाज को अलग किया गया है, और ये जो मुद्दा है एक राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, सभी आदिवासी कौम को लेकर है। आप जिला प्रवक्ता के तौर पर आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 ये कहता है कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जनजाति में शामिल होगा, तो उसके लिए वह एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, उसकी विशिष्ट एक भाषा हो, और जो बहुत बड़ा समुदाय है उससे वो कट के रहता हो, उसकी अपनी एक संस्कृति हो और अंदर जाति विवाह समूह, वह व्यक्ति जो है 342 के अंतर्गत, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जनजातीय उसमें आता है। दूसरी बात कि अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि किस तरीके से, किस आधार पर उन 46 प्रधान समाज को जो है सामान्य सूची में डाल दिया गया है, तो ये मैं आपके माध्यम से, गोल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से सरकार से गुजारिश करूँगा कि पहले ट्रांसपेरेंसी के तहत ये बताने का कष्ट करें कि किस आधार पर 46 अनुसूचित जनजाति प्रधान समाज को आपने जनरल समुदाय में शामिल कर दिया है, क्योंकि जो मापदंड है वो जब तक जनता को ट्रांसपेरेंसी के आधार पर पता नहीं चलेगा, तब तक हमें जो है सरकार पर, सत्तासीन जो सरकार है छत्तीसगढ़ की, उस पर हम, उसकी कार्यशैली पर हमें शक रहेगा। एक छोटा सा प्रश्न और है इसी कड़ी में लेते हुए कि अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है प्रधान समाज के लोगों को ही, उनकी रीति नीति और उनके जो टोटम व्यवस्था है उनको लेकर उन्होंने एक अभियान चलाते हुए एक सर्वे किया और सर्वे के तहत में ये निर्णय लिया, क्या ये सर्वे उन तमाम विधायक और सांसद जो आदिवासी कोल्टुड़ों को, आदिवासी सांस्कृतिक लोगों को हिंदू, सनातनी हिंदू बोल रहे हैं, उन पर ये छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार क्यों ऐसा कदम नहीं उठाती है? मेरे ख्याल से इसके दो अलग अलग आंसर हो सकते हैं। पहला तो ये कि भारत जो है एक ऐसा देश है जो पंथ निरपेक्ष देश है, मतलब कि सरकार जो है किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं होगी, यहाँ के सारे धर्म मिलकर के इस राष्ट्र का धर्म बनते हैं, सारी भाषा मिलकर के राष्ट्र की भाषा बनती है। तो मैं समझता हूँ कि जनजाति समुदाय मेरे ख्याल से भारत का पहला ऐसा समुदाय है जो किसी भी धर्म में जा सकता है, लेकिन दूसरे धर्म का व्यक्ति आदिवासी नहीं बन सकता है। जैसे कोई अनुसूचित जनजाति गौंड समाज का व्यक्ति हो मुसलमान धर्म को अपना सकता है, वो वैष्णव धर्म को, शैव धर्म को अपना सकता है, या फिर वो हिंदू धर्म को अपना सकता है, लेकिन वहीं आप देखेंगे कि जो कस्टमरी लॉ है और जो बाकी और जो लॉ हैं उनके आधार पर आप देखेंगे कि कोई भी अलग धर्म का व्यक्ति आदिवासी नहीं बन सकता है।